फ्रेंड, मैं कविता पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ, आज मैं जो बनाने वाली हूँ बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सौंफ, जीरा और अजवाइन का मैं मिश्रण बनाने वाली हूँ, जिसके बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं और बहुत सारे गुणों का खजाना है। पेट के लिए तो समझो कि मल्टी विटामिन का ये काम करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच जीरा, 4 बड़े चम्मच सौंफ, 4 बड़े चम्मच अजवाइन, 2 छोटे चम्मच भर के ब्लैक सॉल्ट है, और हींग लेना है 1 छोटे चम्मच। तो ये सारी चीज़ जो है, जीरा अजवाइन सौंफ, ये सारी चीज़ों को बराबर क्वांटिटी में लेना है। यानी 4 बड़े चम्मच ये लिए तो 4 बड़े चम्मच ये भी और 4 बड़े चम्मच ये भी, सारी चीज़ों को बराबर क्वांटिटी में ही लेना है। तो मेरा पैन गरम है, मैं इसमें ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ। सभी को मैं डाल दूँगी, बस गरम करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। अब ये हो गया है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना था, सिर्फ गर्म करना था। मैं गैस बंद कर देती हूँ। मैं इसे ठंडा करके तब पीसूँगी। इसे निकाल लेती हूँ। मैंने निकाल लिया प्लेट में इस तरह से, और मैं ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे ग्राइंड करूँगी। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है, तो मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल देती हूँ। और इसका फाइन पाउडर बना लेना है, साथ ही मैं काला नमक भी डाल दूँगी। 1 छोटे वाले चम्मच से हींग डालूंगी, बहुत भर के नहीं, इतना। और सभी चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूंगी। तो मैंने ग्राइंड कर लिया है, देखिए कितना अच्छा ग्राइंड हुआ है, अच्छा से फाइन पाउडर बन के रेडी हो गया। अब ये रेडी है पाउडर। अब मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी। कंटेनर में मैं डाल देती हूँ। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसका पाउडर बना सकते हो, जितनी आपको ज़रूरत हो। इसे कंटेनर में भर लिया है, मेरा हाफ हुआ है, आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हो। अब इसे कुछ भी नहीं करना, किसी भी स्पून से 1 स्पून इस तरह से लेना है, सुबह खाली पेट वार्म वाटर के साथ, यानी गर्म पानी के साथ, और रात में डिनर के बाद इसी तरह से लेना है। उसके बाद गजब के फ़ायदे मिलने वाले हैं, इसे कंटिन्यूस कर दीजिए। उसके बाद ये तो पेट के लिए विटामिन का काम करने वाली है। साथ ही मैं एक और बात बताने वाली हूँ कि जिनको भी लूज मोशन हो रहा है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए बहुत जल्द कंट्रोल करने के लिए 1/2 चम्मच काला नमक लेना है गर्म पानी के साथ। उसके बाद देखिए बहुत जल्द कंट्रोल हो जाएंगे। मेडिसिंस लेने से तो अच्छे हैं कि ये सब घरेलू उपाय किया जाए,
और मैंने ये सब आजमाया हुआ है, इसलिए मैंने शेयर किया। एक बार तो मैं बोलूँगी कि आप लोग भी इसी तरह से ट्राई कीजिए और इसका रिजल्ट देखिए कैसा होता है। देखा आपने कितना आसानी से इसका मिश्रण रेडी हो गया, और इसके फायदे तो बहुत हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।